आज हमें झोटवाड़ा विधानसभा में सर यहाँ क्या लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? आशु सिंह सुरपुरा हुआ, राजवर्धन सिंह राठौड़ हुआ, त्रिकोणीय मुकाबला तो है लेकिन इसके अंदर बीजेपी का राजवर्धन सिंह जी राठौड़ जी स्पष्ट बहुमत से कम 20 से 30 हज़ार वोटों से निकलेंगे। दूसरे नंबर पर आशु सिंह सुरपुरा रहेगा, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी। क्या रीज़न है कि आशु सिंह सुरपुरा को टिकट नहीं मिली, क्योंकि उन्हीं की उम्मीद देखी जा रही थी कि इनको टिकट मिलने वाली है? ये टाइम पे राजवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दी गई, ये तो हम नहीं बता सकते। ये तो भाई सेंटर से जो जिन्होंने डिक्लेयर किया है वो जाने। बाकी है कि आशु सिंह सुरपुरा को अगर टिकट मिल जाता तो वो भारी बहुमत से और भी ज़्यादा बहुमत से निकलता। नहीं तो आशु सिंह सुरपुरा भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आप क्या लगता है कि कितने परसेंट वोट काटेंगे बीजेपी के? जितने बीजेपी के वोट काटेंगे उससे ज़्यादा कांग्रेस के कटेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भारी आदमी को दिया जोधपुर के आदमी को, इसलिए वोट तो कटेंगे लेकिन ज़्यादा कांग्रेस के कटेंगे, बीजेपी के कम कटेंगे इसमें। क्योंकि देखा जाए तो जो लालचंद कटारिया मंत्री भी रहे हैं यहाँ से, कांग्रेस के MLA थे, वो मंत्री भी रहे थे, तो उसका क्या कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उनका? नहीं, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर। क्या रीज़न है कि मतलब नहीं पड़ेगा? रीज़न तो जनता उससे नाराज है, परेशान थी। जो 5 साल उनके कैसे रहे कार्यकाल, क्या हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं किया उन्होंने, जनता का कोई काम नहीं किया और जनता उनसे बेहद नाराज थी, इसीलिए उन्होंने शायद टिकट भी नहीं लिया, उन्होंने मना कर दिया था। कि जो मतलब गहलोत ने इतनी स्कीमें चलाई, चिरंजीवी हुई, इतनी स्कीमें चलाई, तो क्या उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान के हिसाब से? अब पूरे राजस्थान के तो कह नहीं सकते लेकिन कम से कम इस सीट पे तो नहीं पड़ेगा कोई फर्क। मतलब चिरंजीवी, मतलब इनके जितने नहीं, भी नहीं, वहाँ कितनी कितनी भी चला दो लेकिन इस सीट पे तो कम से कम, मैं यहाँ का लोकल आदमी तो मेरे को मालूम है कि इस सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रियंका गांधी भी आई थी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को हम 10,000 रुपये देंगे हमारी सरकार आने के बाद। देखो ये तो अगर ये 5 साल पहले से चलाते चिरंजीवी योजना है, ये गारंटी कार्ड खेल रहे हैं, या 10,000 रुपये महीने दे रहे हैं, सस्ता गैस सिलेंडर कर रहे हैं, अगर 5 साल पहले देते तो आज कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में नहीं आ जाती क्या? ये सब आजकल जनता जानती है कि भाई चुनाव के मौके पर क्या तो ये घोषणाएँ करते हैं, क्या ये देते हैं। पहले थे इन घोषणाओं के अंदर दम, भाई हाँ ये देंगे वो करेंगे, आजकल सब जनता समझती है। आगे जो मोदी जी का कहना है कि हमने इतना काम कराया है और हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है, अब ये तो बन भी जाए तो मैं तो क्या बता सकता हूँ बने कि नहीं बने। मैं तो एक इस सीट के लिए बोल सकता हूँ कि इस सीट पे बीजेपी का कैंडिडेट राजवर्धन सिंह जी राठौड़ स्पष्ट कम से कम 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 वोटों से विजय होंगे। क्या है मतलब आपको जो राजवर्धन सिंह को टिकट दी गई, कोई और कैंडिडेट आप उम्मीद नहीं थी क्या यहाँ पे जिसकी टिकट मिलने के लिए? उम्मीद तो आशु सिंह सुरपुरा की थी लेकिन सेंटर का जो फरमान है उसका तो कौन विरोध कर सकता है। 200 विधानसभा सीटों में से कितनी आपको लगती है कि बीजेपी की? 115 से 120 सीट। 115 से 120। और कांग्रेस? बाकी कांग्रेस और निर्दलीय। निर्दलीय क्या उम्मीद लग रही, कितनी आने की उम्मीद है? निर्दलीय और इनकी जो ये यूँ मान के चलो आप जो विरोध इन्हीं के खुद के, जैसे बीजेपी के कैंडिडेट विरोध में उतरे हैं, कांग्रेस के उतरे हैं, ये मिला के कम से कम 10 से 15 तो आ ही जाएंगे।